हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे कुछ लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे सर्वर टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे सर्वर टेक चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आज तक जो आपको जानकारी आप तक जानकारी जो पहुँचे फ्रेंड्स, वो आपको प्रत्येक जानकारी हमारी एक्यूरेट हमारे चैनल की आपको जानकारी मिली है फ्रेंड्स। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कि लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की कट ऑफ, एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और उसके आंसर की कब आएगी, और उसका रिजल्ट कब आएगा, और उससे संबंधित और भी जानकारी बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारे चैनल पर आपने शायद पहले विजिट किया है फ्रेंड्स, तो देखना आपकी हमारे चैनल पर कितने क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के अंदर आए। जो हमारे इसन पर जो लैब असिस्टेंट के लिए जो क्लास चलती थी ऑनलाइन, जिसके अंदर क्वेश्चन क्लास चलती थी फ्रेंड्स, उसके अंदर आप देखना कितने क्वेश्चन आए फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर साबित हुआ होगा। और अभी मैं इस बात करूंगा फ्रेंड्स कि लैब असिस्टेंट की एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो शुरू करते हैं हमारा एक्सेप्ट कट ऑफ का वीडियो, बताते हैं आपको कि हमारी एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो भी कट ऑफ बताएगा फ्रेंड्स, आपको एक्यूरेट बतानी है फ्रेंड्स, तभी हम। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमने एक एग्जिट पोल बनाया फ्रेंड्स, जिसके बारे में कि इतने क्वेश्चन, जितने नंबर आने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है फ्रेंड्स। और तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, और आप वहाँ पर जाकर आपको वो लिंक ओपन करके फ्रेंड्स अपना मत चुनना है फ्रेंड कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, फिर हम पता कर पाएंगे कि वास्तव में एक्यूरेट कितनी कट ऑफ रह सकती है फ्रेंड्स। हमने पहले भी बनाया था फ्रेंड्स, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स की इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं हमारे इस अगले स्टेप को। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि जनरल की कट ऑफ है फ्रेंड्स, वो देख लीजिए आपके स्क्रीन ग्राफ पर है फ्रेंड्स। जनरल की कट ऑफ 170 अबव रहेगी फ्रेंड्स, इससे कम न रहने के चांस है, बहुत कम चांस है फ्रेंड्स कि जनरल की एक्सेप्टेड कट ऑफ फ्रेंड्स 170 प्लस है, इससे कम रहने के चांस बहुत कम है फ्रेंड्स। तो क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम पेपर हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा इतना हार्ड नहीं था फ्रेंड्स। मैंने कहा भी था कि पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, पर पेपर फ्रेंड्स बहुत सरल था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो भी बात करें उनकी, जब वो मीडियम क्वालिटी थी फ्रेंड्स। राजस्थान जी के तो बिल्कुल सरल था, दो तीन क्वेश्चन थे वो फ्रेंड्स थोड़े कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे। तो देख लीजिए, जनरल की कट ऑफ 170 अबव रहेगी फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं ओबीसी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, ओबीसी की कट ऑफ 160 अबव रहेगी फ्रेंड्स। ओबीसी की कट ऑफ फ्रेंड्स 160 अबव रहने के चांस है फ्रेंड्स, इससे कम तो चांस फ्रेंड्स है भी नहीं ओबीसी के। आप देख लेना एक्सेप्टेड कट ऑफ आए तब। और मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड्स कि आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल की जो जानकारी दे दी जाती है फ्रेंड्स आपको, वो एकदम एक्यूरेट निकलेगी आपको फ्रेंड्स, आप मान के चलना। आप इसको नोट कर लेना फ्रेंड्स कि हमारे चैनल इतनी बताइए। तो ओबीसी कट ऑफ 160 अबव रहेगी फ्रेंड्स। बात करूँगा एससी एसटी की फ्रेंड्स, तो एस सी एस टी की कट ऑफ फ्रेंड्स 140 अबव रहेगी। आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, एस सी एस टी की कट ऑफ 140 अबव रहेगी, जिन बंदे के एस सी एस टी के अंदर 140 अबव है, नो टेंशन हो जाए फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन श्योर है। और अब बात करूँगा फ्रेंड्स कि इसकी आंसर की कब आएगी। तो देख लीजिए, इसके आंसर की आने के चांस 4 या 5 मार्च को है, 4 या 5 मार्च तक, लगभग 1 मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर इसकी आंसर की आ जाएगी फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। इसका रिजल्ट लगभग देख लीजिए फ्रेंड्स, अप्रैल के अंदर आने के चांस है फ्रेंड्स इसके रिजल्ट के। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करूंगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट अप्रैल तक आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमने ये भी एग्जिट पोल के जरिए निकाला फ्रेंड्स। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि
हमने एक पोलिंग बनाया फ्रेंड्स, उसके आधार पर हम इसका जो कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स कि इसकी जो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, और भी इसको अच्छी तरह से विस्तृत देखने के लिए मैंने एक पोल बनाया फ्रेंड्स, उसको पर जाकर आपको वोटिंग करनी है फ्रेंड्स कि इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आपको हमारे वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना और वहाँ पर जाके अपने कितने नंबर आ रहे हैं उसको उस पर क्लिक करके फ्रेंड्स और अपना नाम डाल के वोटिंग कर लीजिए फ्रेंड्स। वोट होने के बाद एक मैं अपना वीडियो और डालूंगा फ्रेंड्स, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स कि इसकी एग्जिट एक्यूरेट आंसर की जो इसका जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, उसके बारे में मैं आपको एक अलग लाइव क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। तो जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें।